हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हर्षिंग में। देखिए 19 मार्च की वैकेंसी और एग्जाम अपडेट है। मॉर्निंग में वीडियो आपको नहीं मिल पाई कुछ कारणवश, आपको इवनिंग में वीडियो दी जा रही है। इस पूरे वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जो थंबनेल पे आपको डिटेल दे रखी है, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा निरस्त की है उसकी ऑफिशियल अपडेट देंगे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले बता दिया था कि 90% संभावना है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको वो वीडियो भी, ठीक है। वीडियो डी भी पोस्टपोन हो गई, इसमें 2 अप्रैल के बाद के जिन लोगों की है उनकी उनका स्थगित हुआ है या उनकी डी भी करवाई जाएगी, ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। 68,500 अभ्यर्थियों को एक और अवसर, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो कल आपको वो खंड आवंटन किया गया है उसमें क्या क्या हुआ है और आगे की प्रोसेस आपको जो आपको ऑफिशियली मैंने अपडेट दे ही दी थी, सभी अभ्यर्थियों की मेरी एक राय है उस वीडियो में, मतलब वीडियो के लास्ट में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कई सारे स्टूडेंट के लिए इस चीज़ का कमेंट आया था कि सर कुछ लो कास्ट पे कोई बेटर अगर UPPSC के लिए प्री के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कई सारे यूट्यूब चैनल विजिट करता रहता हूँ तो इस पे बहुत ही ऑथेंटिक और मतलब करंट जो पैटर्न होता है उसके बेस पे सारी चीज़ें चलाई जा रही थी। तो मैंने उनके टीम से बात की और यहाँ से ये सारी चीज़ें दे सकते हैं आपको 499 स्टार्टिंग इनकी प्राइस और भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमसे जुड़े लोगों के लिए इतनी प्राइस रखी गई है। यहाँ पे सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित सभी विषयों के बुकलेट नोट्स PDF के फॉर्म में, 15 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें उसमें एक डेमो रहेगा, दोनों भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। सभी टेस्ट के आपको पूरी व्याख्यात्मक हल मिलेगा, ठीक है। डेली लाइव करंट की क्लासेस मिलेगी, जो अभी से ज्वाइन करेंगे उनको PC के भी क्लासेस दे दी जाएगी। डेली लाइव GS क्लासेस मिल जाएगी, 6,000+ MCQ PDF के फॉर्म में दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर वो NCERT पर आधारित प्रश्नों की स्पेशल क्लास और PDF दी जाएगी। तो 499 नियर और 500 में आपको इतनी सारी चीज़ें दी जा रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने खुद विजिट की इस पे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9450006007 पे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दोनों नंबर पे, या फिर ऑथेंटिसिटी के लिए आप www.pariksha+.org पे विजिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जरूरी है, इससे जुड़ी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से कॉल करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं BEO परीक्षा के लिए। पहले मैं इसको दिखाऊंगा, फिर आपको अपना वीडियो दिखाऊंगा जो 2-3 दिन पहले बनाया था। सर्वसाधारण को इत्तर द्वारा सूचित किया जाता है आयोग के विज्ञापन संख्या A4E1/2019 खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 जो कि दिनांक 22/3/2020 को, मतलब 22 मार्च को आयोजित होने का प्रस्तावित है। शासन के पत्र संख्या 581 वगैरह वगैरह 17 मार्च 2020 के क्रम में आयोग द्वारा स्थगित कर दी गई। ये रात को अपडेटेड मतलब सूचना जो आई थी वो है, उक्त परीक्षा की अगली तिथि बाद में सूचित की जाएगी, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र, ठीक है, ये डिटेल है। दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं, मैंने ये 2 दिन पहले की न्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी थी। यहां पे देखिए, मैं बता दूं, ये सारी डिटेल डिस्कस करने के साथ ही मैंने डिस्कस किया था UPPSC BEO की परीक्षा हुई रही है, तो इसमें मैंने बताया था कि 90% पूरा चांस बन चुका है कि आपकी परीक्षा रद्द की जाएगी, ठीक है, और ऑफिशियल अपडेट आने तक को आपको वेट करने के लिए इसमें बोला था, ठीक है। तो ये थी अपडेट, मतलब कुछ चीज़ें जो पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी। दोस्तों, हमारी जो अगली डिटेल्स जुड़ी है वो BE मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी पर DV के लिए जुड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, उक्त से संबंधित है ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जिनका अभिलेख परीक्षा DV 19 मार्च से 2 अप्रैल तक के मध्य आयोजित किया जाना निर्धारित है, उन सभी अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण सत्यापन कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित कोविड-19 बीमारी से बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत एतद द्वारा स्थगित किया जाता है। किंतु संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथियों के मध्य जिन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण होना था वे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके रख लें, ठीक है, वही चीज़ चलेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण सत्यापन की पुनः निर्धारित तिथियों से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय पृथक किया जाएगा। हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दे दी जाएगी ये। और चीज़ है जो भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उपर्युक्त के अतिरिक्त वे अभ्यर्थी जिनका अभिलेख परीक्षण सत्यापन का कार्यक्रम 3 अप्रैल के बाद से, 3 अप्रैल से 2 मई के बीच में, ठीक है, 2 जून के बीच में है, ठीक है, और काफ़ी लंबा है, स्टार्टिंग में मैंने इस पर बताया है, इनके बीच का जो है उन समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके अभिलेख सत्यापन परीक्षण कार्यक्रम यथावत रहेंगे, ठीक है। तो ये थी इनके लिए डिटेल्स, अगली डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों हमारी अगली डिटेल्स है आपके 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पास लेकिन किसी कारण से जनपद आवंटन के लिए आवेदन नहीं कर सके अभ्यर्थी या जो पुनर्मूल्यांकन में पास हुए थे उन्हें एक और अवसर दिया जाता है। सचिव रूबी सिंह की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार वेबसाइट www.upbasic.edu.gov.in पर 24 मार्च अपराह्न से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मोबाइल नंबर में परिवर्तन हो गया है वे ऑनलाइन आवेदन के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप की सूचना 10 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर भरकर एवं अन्य अभिलेखों के साथ 24 मार्च अपराह्न से 26 मार्च शाम 5 बजे तक परिषद मुख्यालय में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। शासन ने 23 अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति दी है, ठीक है। तो ये थी इनकी डिटेल। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कल के डेट में जो खंड आवंटन हुआ है ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थियों के लिए। तो ये मैं एक तेज़ी से यहाँ पे जितने भी सीट वैकेंट हैं उनको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रुप से जुड़े हैं उनको सारे लोगों को मैंने पीडीएफ अवेलेबल उसी टाइम करवा दी थी। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो यहां से देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में भी अभी एक बहुत अच्छी डिटेल मैं बताऊंगा यहां पे कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो ये सारी थी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नहीं मिली होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप ज्वाइन करने की, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मैं ये दोनों पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा। दोस्तों ये सेकेंड पीडीएफ है, सबका मतलब नाम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ है इसमें, किसको क्या क्या मिला है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं किस लोगों ने ज़्यादातर किस चीज़ को प्रीफर किया है। और ऑलरेडी मैं जो डिस्कस करने वाला था आपको आपको यहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ये क्या है कि ऑफलाइन प्रक्रिया होने पे, जैसे ये मतलब आपको ये न्यूज़ मिली, मुझे लगा कि 95% लोगों ने फिर से ये प्रोसेस के लिए बोला कि सर ऑनलाइन करने के लिए आप बात कर लीजिए पांडे जी से, और कई सारे लोगों ने इतने बात भी की, 10-15 मिनट मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने एक चीज़ सुझाई कि मतलब जो भी ये प्रोसेस आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको बता दूँ। पहली ये है कि ऑफलाइन प्रोसेस से वो लोग नहीं आ पा रहे जो दूसरे किसी चीज़ को जॉब में मतलब इस टाइम इंगेज हैं, ठीक है, दूसरे किसी जॉब को कर रहे हैं। इसकी वजह से पहले दिन आपको 45 कैंडिडेट्स और दूसरे दिन अगर इस आंकड़े को मिलाए तो दूसरे दिन 71 कैंडिडेट, टोटल मिला के 2 DB में मतलब 2 खंड आवंटन में आपके 500 ही बच्चों में 116 बच्चे एबसेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक चांस और बढ़ जाता है कि आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस है आपको अपने मन का जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिलना है वो मिल जाएगा, या तो आसपास की डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाएगी डेफिनेटली। लेकिन अगर ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो उसमें सभी लोग मतलब अप्लाई करेंगे, वो लोग जो नहीं आए वो भी जानबूझ कर, क्योंकि कई सारे लोग इस वैकेंसी को खुद मतलब फंसाने के चक्कर में काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, तो वो लोग भी अपने आवंटन को इसमें करेंगे भले वो इंगेज हों कहीं दूसरे और फाइनली ज्वाइन ना करें। तो पहली प्रायोरिटी तो ये हो जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि कई सारे बच्चों का मैसेज था कि यार सर 15 अप्रैल जो ड्यू डेट दी गई है क्या वहां तक हमारे लोग के मतलब खंड आवंटन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस बात को पांडे जी ने भी बताया है कि 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में ऑफिशियल साइट पे हम लोग मतलब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात की कुछ चेंजेस आपको मिल सकता है या कुछ आपको खंड आवंटन प्रोसेस से कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप डेली बेसिस पे ये ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए। ये थी पूरी वीडियो की डिटेल्स, अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया परीक्षा प्लस के बारे में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, मेरे वो के अकॉर्डिंग आप मतलब रेफरेंस देके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।